ठीक है। अदाब, आप देख रहे हैं मेंडर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। आजकल अगर सोसाइटी की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत बढ़ गए हुए हैं, यानी घरेलू मामले जो हैं वो काफ़ी चरम पर हैं, जिसको आए दिन जो है वो काफ़ी सुर्खियों में या मीडिया के माध्यम से लोग अपनी आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाते हैं। और ठीक इसी प्रकार कल आपने एक वीडियो देखा होगा हमारे पोर्टल पर कि एक हस्बैंड जो है वो दो बच्चों के साथ किस तरीके से गुहार लगा रहा है या जो भी उनका आपसी मामला है, इस चीज़ को लेकर उनकी जो वाइफ जिनके साथ इनका जो चल रहा है, मतलब यानी जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के लेके जो भी इशू है, इन सब पर उनकी वाइफ ने अप्रोच किया कि आपने सिर्फ उनका वीडियो चलाया है, आपने मेरा पक्ष नहीं जाना। आज उनका पक्ष जानने के लिए वो मेरे साथ हैं और इनसे पूरी बात पूछेंगे कि क्या रीज़न है, क्या कारण है जिस वजह से ये सब चल रहा है और आज ये पुलिस स्टेशन में पहुंची हैं एक दरख्वास्त लेकर। तो ये इस सब पर सारी बात करेंगे। तो आप बताइए कि क्या पूरा मामला क्या है, किस वजह से जो है मतलब कि कल जैसे कि आपने आपके हस्बैंड ने बताया कि जो भी मामला था, पहले आपका एक स्टेटमेंट आया, आपने किसी रजौरी की मीडिया में जो है वो अपना एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने जो यहाँ की मीडिया को जो है वो बताया, तो क्या पूरा मामला क्या है, पूरा बात बताएं पूरी। भैया, मेरे शादी को हो गए 8 साल, तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड का अफेयर था कहीं और, जम्मू आरसपुरा की लड़की थी उसके साथ अफेयर था। शादी के बाद ही मुझे पता चला, मेरी शादी हो गई थी 12 साल की उम्र में, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे तो उनके पास कुछ रहने के लिए कुछ नहीं था, ऐसे किराए पे रहते थे, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, उन्होंने शादी करवा दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा निकलेगा, इसका अफेयर था जम्मू लड़की के साथ, तो इसने सारी ज़मीन बेच के शादी के बाद मेरा जो सोना था वो बेच के सभी उसी लड़की को खिलाते रहे। ज़मीन कोई भी जांच करे, मैं अगर झूठी हूँ, कोई जांच करके देख ले कि इसने सारी प्रॉपर्टी जो भी थी इसकी वो सारी बेच के उस लड़की को खिला दिया है। पूरी मेंडर में आप जांच करो कि इसने लोगों का कितना कर्ज देना है, क्यों देना है, अगर ये सही है तो इसने क्यों इतना सारा कर्ज देना है। और रही बात कल जो इसने मेरे पे एलिगेशन लगाए हैं कि ये मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि हर किसी की इज्जत होती है, मैं नाम नहीं लूँगी, इसने मुझे ब्लेम किया है कि ये लड़कों के साथ जम्मू घूम रही है, कभी यहीं रह रही है, कभी वहाँ, ये इसने मुझे मार के घर से निकाला था और मैं 6 महीने से अपनी मम्मी पापा के पास थी यहाँ पर मेंडर में, मुझे सभी मतलब वहाँ आके वो मुझे टॉर्चर करते थे कि अगर अपने घर वापस नहीं जाओगी तो हम यहाँ पे ही आपको मार देंगे। तो मैं डर के मारे अपनी बहन के घर जोरी में रह रही थी, वहाँ पे भी इसने उनके खिलाफ़ पर्चे एप्लीकेशन जो भी है वो लगवा के उनको धमकियाँ दी कि आप अपनी बहन को वहाँ नहीं रख सकते हो। सुनो, आप मेरे को एक चीज़ और बताओ कि ये जो आपका मामला, ये जो आप जो बता रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस जो आपका, ये मतलब कि ये क्लैश, ये सब क्यों, किस रीज़न से हुआ, क्या कारण? ये वही बस वो लड़की करवा रही थी क्योंकि वो इनको जो भी है, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग से ही ये शक करते थे मुझ पे, कभी किसी के साथ ब्लेम करना, कभी किसी के साथ ब्लेम करना, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जीजे हो गए, जो भी हो गए ब्लेम करते थे। अगर देखो, कल कहा था उन्होंने कि कोई भी पति जो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वाइफ गलत काम करती है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, अगर मैं गलत होती तो इनका ये कहना, अगर ये बोलते हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको बसाऊँगा, ठीक है, मैं मानती हूँ बसाओगे, अगर आपके मन में ये भी है कि मैं सही हूँ तो आपने ये बात बोली है ना कि मैं इसको बसाऊंगा। अगर गलत होती, आपने ये बात कभी नहीं बोलनी थी मेरे खिलाफ कि ये ऐसी है वैसी है, लड़कों के साथ घूमती है। अगर आपने एलिगेशन लगाया था ना, फिर आपका ये मतलब नहीं बोलना बनता कि मैं इसको बसाऊंगा। नहीं, तो मेरे को आप ये बताओ कि अब जब ये आपका ये घर में जो भी हुआ आपके साथ, जो भी मतलब आपका आपसी हुआ, इस चीज को लेके आपने घर में बात नहीं की, आप लोग बैठे नहीं? बहुत बार पंचायत में बैठे, बरादरी वरुण ने मुझे, ये मेरे पास प्रूफ भी हैं, ये 2 साल पहले मैटर हुआ था, लड़ाई हुई थी बहुत ज़्यादा, तो ये कोर्ट में सभी बिरादरी वाले बैठ के ये एक फैसला लिया था, ये आप देख सकते हो, ये 2 साल पहले का है। ये उन्होंने मुझे कहा था कि ये लास्ट मौका है, ये इस लड़के को आप लास्ट मौका दो, कोर्ट के थ्रू ये मुझे दिया गया, ये देख सकते हो आप। इसके बाद मैंने वुमेन सेल में भी लगाई है, ये भी देख सकते हो। मैंने सुना कि वो कल जैसे बता रहे थे कि वुमेन सेल से भी उनके फेवर में जो है वो बात गई है, क्या है वो? एक मिनट, ये है, ये वुमेन सेल में मैंने लगाई थी एप्लीकेशन। वुमेन सेल की जो मैम थी, SHO मैम, उन्होंने कहा था कि लड़की को कोई ज़बरदस्ती कहीं नहीं भेज सकता है, लड़की को कोई प्रॉब्लम होगी, इतना कोई बुरा नहीं होता है कि अपने बच्चों को छोड़ के घर से बाहर निकले, कोई माँ ऐसी नहीं होती है कि जो आसानी से घर से बाहर निकले, मैं बहुत दुखी होकर घर से बाहर निकली थी, आखिर कोई मुझे कोई परेशानी थी ना, तो जो मैं घर से बाहर निकली हूँ, मैं इतनी बुरी नहीं थी, अगर मेरा कहीं कुछ चक्कर होता, मैंने भाग जाना था, मैंने क्यों यहाँ पर बार बार आना
करना था, मैंने कानून से क्यों हेल्प मांगनी थी। और आज मैं तो अभी ये केस आपका कहाँ चल रहा है, क्या कर रहे हो मतलब अभी? अभी कुछ नहीं, मैं बहनों के घर रह रही थी, तो अब ये बहनों के ऊपर भी एक्शन ले रहे हैं कि आपने इसको क्यों रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आई हूँ, देखती हूँ अगर मेरा इंसाफ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ आज मैंने यही अपनी जान दे देनी है। मेरे पास लास्ट कोई ऑप्शन नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं देना चाहती हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सभी अपनी अपनी जगह सब ठीक हैं, क्योंकि मेरा रब जानता है, मेरा कोई नहीं है, माँ बाप भी, बहन भाई, रिश्तेदार सब ने मेरा साथ आज छोड़ दिया है कि तेरी वजह से हमें तेरा हस्बैंड बीच में घसीट रहा है, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। आज मैं पुलिस स्टेशन में आके बैठी हूँ, अगर मेरा इंसाफ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैंने अपनी यहीं पे जान दे देनी है, यहाँ से बाहर नहीं जाना है। आप मेरे को एक चीज़ का और क्वेश्चन का आंसर दो जी, कि अगर आपका हस्बैंड वो कह रहा है कि मैंने आपको बसाना है, तो उसमें मतलब कि क्या आप क्यों नहीं मतलब देखो ना, देखो इतनी सारे एलिगेशन लगाने के बाद कौन सी औरत है मुझे बताए कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहना पसंद करेगी, इतना सब बर्दाश्त कर। अगर आखिर औरत की भी कोई इज्जत होती है, मेरी इज्जत नहीं है क्या? मेरे को इतना सब इसने टॉर्चर किया, देखो इतने सारे पूरी मेंडर में इसने मेरी बदनामी कराई हुई है, कभी के किसी मुसलमान के साथ है, कभी किसी बंदे को नहीं छोड़ा, नाम नहीं मैं लूँगी, किसी बंदे को इसने नहीं छोड़ा जिसके साथ इसने मुझे नहीं छोड़ा। अगर मैं इसकी वाइफ होती, अगर ये मुझे अपनी वाइफ मानता, मेरी बदनामी नहीं कराता। मैंने चले जाना था उसी दिन जब बदरादरी वाले बैठे हुए थे, मैंने उसी दिन मन बनाया था, परसों की बात है ये, कि मैंने चले जाना था अगर इन्होंने मुझे ब्लेम ना किया होता। देखो इतना सब सहने के बाद मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे, आप ही बताओ मैं कैसे जा सकती हूँ? ऐसे ही मैं अब अंदर ही जाके सारी लेडीज़ के साथ ऐसी बातें कर सकती हूँ जो जो इन्होंने किया है, अब मैं आपके सामने नहीं कर सकती हूँ, सभी के सामने अच्छा, नहीं कर सकती। अब क्या आप चाहते क्या हैं, क्या मतलब कि क्या चाहते हैं? मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे ऐसे रहने देना अकेले ही, मैं नहीं चाहती ये बोल रहे थे मैं तलाक नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहती कि मुझे तलाक दे, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी जीने तो देना, कहीं पर सुकून से रहने तो देना, ये चीज़ मैं चाहती हूँ। बाकी मुझे बेशक ना ये तलाक दे और ना नहीं देना है तो ना दे, लेकिन मुझे सुकून से जहां भी मैं रहना चाहती हूं अपनी खुशी से मुझे रहने दे बस। तो क्या कानून से क्या अपील करोगे जहां पर आपका ये केस चल रहा है, उनसे क्या कहोगे? यहां पे यही है कि मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे ये बेटियां दे देगा मैं वो भी रखने के लिए तैयार हूं। देखो ना उन मासूम जो बच्चियां हैं उनका क्या कसूर है, भले आप एक माँ हो, माँ ही दर्द समझ सकती है बच्चों का, दो मासूम बच्चियां हैं तो उनका क्या मतलब? देखो बच्चे मैं ले लूंगी, मैं कोर्ट के थ्रू मैंने केस लगाया हुआ था डीवी का, तो अब मैं ले लूँगी बच्चे कोर्ट के थ्रू, मैं ले लूँगी, क्योंकि बच्चों को थोड़ी ऐसे छोड़ूंगी, इसने तो सिर्फ एक बच्चों को आगे ऐसे रखा हुआ है मुझे बदनाम करने के लिए, सिर्फ इस बंदे ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बदनाम किया हुआ है, मेरा अंदर से मन मर गया हुआ है कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ, नहीं जा सकती मैं, क्योंकि इतना बदनामी सहने के बाद कौन पति अपने पति के साथ रहना चाहेगी, आप ही बताओ मुझे। बच्चे मैं ले लूँगी इससे, बच्चे मुझे आज ही दे, मैं कुछ नहीं लूँगी, कोई खर्चा नहीं लूँगी, मैं खुद मेहनत करके बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा बनाऊँगी, लेकिन मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती अब। ठीक है, ये थे हमारे साथ जो कि बात कर रहे थे, जिन्होंने सारी बात जो है वो हमसे की है, यानी आप सबके सामने रखी है कि हम इसके बाद जो है पक्ष, जो इनके हस्बैंड हैं उनका भी पक्ष लेंगे, कि अब इन्होंने अपनी बात रखी है तो उनकी क्या बात है वो भी, फिर उसके बाद जो है वो आप सबके सामने जो है वो भी आएगा, दूसरा पक्ष भी जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, अब आप वो भी, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। इससे पहले आपने जो है लड़की का पक्ष सुना कि उसका क्या कहना है, अब हम पहुंचे हैं उसके हस्बैंड के पास, इनका क्या कहना है वो आइए आपको सुनाते हैं। सोनू जी आप मेरे को बताएं कि ये पूरा मामला क्या है, क्या मतलब कि क्या हुआ, क्या है, किस वजह से जो है ये लड़ाई जो है आज आप ये थाने कोर्ट तक जो है वो पहुँच गए, क्या है पूरी? ये जो वीडियो बना रहे थे अपने मोबाइल में, मैंने उसको ये बात बोली कि ये वीडियो जो है बाजार में बेचती होती है आदमी की, तो ऐसे कर आपने मोबाइल में प्राइवेसी लगा तो उसके बाद बना। इसने क्या किया, हर एक लड़के के मोबाइल में जो भी लड़का बाजार में मिलता था वो कहता था कि तेरी बीबी की वीडियो है ये, तो मैंने उसको यही बात बोली रात को घर जाके, मैंने बोला कि मैं बाजार में हुआ बंदा हूँ तो मेरी बेजती होती है, तो ऐसे तू ये काम बंद कर दे, तो अगर तुझे बनाने की शौक है तो अपने मोबाइल में प्राइवेट बना सकती है। तो इसने क्या किया, जिस लड़के के पास देखो उसके पास इसकी वीडियो, तो फिर मैंने ये बोली तो इसने क्या किया मोबाइल को तोड़ के रात को क्या किया इसने के घर से दिन को 1 बजे लड़की छोटी को लेके अपनी मम्मा के घर आ गई। फिर मैं दूसरे दिन गया इसको बोलने के लिए, मैंने बोला घर चल, तो कहती मैं जाऊंगी नहीं, मैं तो ऐसा रहूंगी नहीं, ऐसे ऐसे कभी कुछ झूठे ब्लेम लगाती कभी कुछ। इसके चक्कर में मैंने अपनी ज़मीन भी पूरी बेच दी कि नहीं, वो तो कुछ और ही कह रही है, वो कह रही है कि जी आपका किसी के साथ अफेयर था, मेरा अफेयर कहीं आरसपुरा में अफेयर था आपने, वो वहाँ पे तभी ज़मीन बेची, सोना मेरा बेच दिया, ये क्या? अगर ये साबित हो जाने कि मेरा अफेयर आरसपुरा में, तो जो बोलेगी ये मैं करूँगा, लेकिन ये झूठ, आपको पता झूठ जो होता है झूठ ही होता है, सच सच होता है, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है, मेरी जो भी ज़मीन बिकी है इसी के चक्कर में,
क्योंकि जो चीज़ ये बोलती थी आप किसी भी को पूछ सकते हो घर में जाके कि इसके घर में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, सब कुछ है इसके घर में। तो बात यही है कि मेन बात यही है वीडियो की थी जो इसने वीडियो। अच्छा, मेन जो आपका ये घर में जो स्टार्ट हुआ मामला तो वो इसको लेके हुआ? हाँ, यही वीडियो की वजह से हुआ। अच्छा, तो एक चीज़ और मैंने उनसे पूछी कि बच्चियों का क्या कसूर है, वो कहती जी कि मैं बच्चियों को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, और जो के जो आपने उन पर इल्ज़ाम लगाए वो कहती वो सब बेबुनियाद है, सब झूठ है। अच्छा, अगर बेबुनियाद है वो जवाब बेबुनियाद है तो जब ये यहाँ से गई थी तो इसको पता होना चाहिए कि शादी इसकी मेरे साथ हुई थी। मुझे किसी ने पूछा कि ये कालाकोट जा रही है, कहाँ जा रही है, इसने मुझे बोला या इसके घर वाले ने किसी ने बोला या इसके भाई ने बोला, इसकी मम्मा ने बोला कि लड़की को हम कालाकोट में भेज रहे हैं, लड़की की शादी यहाँ पे हुई है और उसके दो बच्चे यहाँ पे मेरे पास हैं, तो ये किसको पूछ के गई है यहाँ पे कालाकोट? वो कह रही कि बच्चों को जबरदस्ती रखा हुआ आपने। कोई जबरदस्ती नहीं रखा, बच्चे जो इसके पास रहना चाहते हैं, इन्हें लड़की छोटी से पूछ सकते हो आपके ये इसके पास रहना चाहती है या नहीं। अच्छा, क्योंकि बच्चे कैसे रहेंगे इसके साथ, इसका खुद ठिकाना नहीं है तो बच्चे इसके साथ रहेंगे। हाँ, तो सोनू जी मेरे को ये बताओ कि क्या अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा, आप क्या अपील करोगे? मैं ये बात सोच रहा हूँ कि ये अगर इसने अपने घर में जाना है तो जा सकती है, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा। सुनो सोनू जी, एक चीज़ उसने और कही है कि मेरे मैं डाइवोर्स चाहे वो मेरे को ना दे, लेकिन मैं जहाँ रहना चाहती हूँ मेरे को रहने दे। नहीं नहीं, इस पर आप क्या कहोगे? मैं अपनी मम्मा के घर रह सकती है ये, या मेरे घर रह सकती है, बाकी ये सोच रही है किसी और के घर में रहूँगी, कालाकोट रहूँगी या बुआ के घर रहूँगी या जिसके घर में रहूँगी वहाँ पर मैंने रहने दूंगा इसको। अच्छा, तो नहीं अभी ये मामला क्या पुलिस तक आपने भी कुछ पुलिस में? मैंने की हुई है, मैंने जिस जिसके साथ ये उस दिन गई थी उस सब के नाम दिए, अगर कल को कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो इस सब के जिम्मेवार वही हैं, क्योंकि उन्होंने सबूतनामा किया हुआ लड़की को अपने, तो कल को कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। तो सोनू जी, अगर ये मामला अगर आपके घर में बैठ के अगर आप लोग निपटा लो तो क्या बात नहीं बन रही? घर में मैंने मंदिर में कचहरी बिठाई, इसके घर में कचहरी बिठाई, कम से कम 50 कचहरी बिठाई, तो ये किसी बात पे मानते नहीं है, बोलते हैं लड़की भेजेंगे नहीं, भेजेंगे नहीं, गलत लड़की बोलती है मैं जाऊंगी नहीं, इसके पीछे रीज़न क्या है वो बताएगी ना खुद के, क्यों नहीं जाएगी वहाँ पे, इसको किस चीज़ की प्रॉब्लम है? तो क्या आखिर में क्या अपील क्या करोगे आप? मैं यही कहूँगा या ये मेरे घर में रहे या ये अपनी मम्मा के घर में रहे बस, तो बाकी ये सोच रही है कि जिसके इसके घर में रहूँगी, शादी इसकी यहाँ पर हुई है, सब इसकी जब शादी हुई थी तो तब इसकी मम्मा ने इसका हाथ मेरे हाथ में पड़गाया था या उस कालाकोट में किसी के घर हाथ में पड़गाया था, ये बात भी आपको बताया कि ऐसी बातें कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है, उसकी बीबी एक दिन किसी के घर में रहेगी एक दिन दूसरे के घर में रहेगी, लोग आके बातें बोलते हैं कि इसको कुछ घर में प्रॉब्लम है तभी ये रह रही है, तो घर में कौन सी प्रॉब्लम है जिसको पूछोगे? कोई भी अगर एक आदमी बोल देगा इसको प्रॉब्लम है तो जो आप बोलोगे मैं करूँगा। अच्छा, तो ये क्या ये बच्चियाँ क्या पढ़ती हैं? ये बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी बिल्कुल इसने, ये बच्चियों को सुबह लेके मैं दुकान पर आता हूँ अपने साथ, दिन को बिठाता हूँ अपने साथ, आपको पता मैं काम करूँगा या इन बच्चियों की देखभाल करूँगा, तो इसकी ये लड़की जो मेरी है ये छोटी लड़की बड़ी लड़की है, केरला में पढ़ती थी, हर साल ये फर्स्ट आती थी स्कूल से, तो आज 3-4 महीने हो गए हैं बिल्कुल इसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है, और इसकी भी छोटी लड़की है ये भी इसकी बिल्कुल इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने, तो अब आप भी बताएंगे क्या करूँ मैं, मेरे लिए कोई सुनता ही नहीं जहाँ पे। तो आज आप थाने आए हो, क्यों आए थे आप यहाँ पे? थाने मैंने एप्लीकेशन उनके खिलाफ़ पर्चा दिया हुआ जिनके साथ ये उस दिन गई थी, उसमें इसके बहुत से आपको पता है जब इसकी शादी यहाँ पे मुझे इन्होंने पूछा, इसका हस्बैंड तो मैं था ना, मुझे किसी ने पूछा कि लड़की को वहाँ भेज रहे हैं हम, जब बिरादरी छोड़ के आए मंदिर में इसको के इसको कोई नहीं लेके जाएगा, इसका इसका जो जीजू है वो भी बोलता मैं भी नहीं लेके जाऊँगा, इसकी बुआ का लड़का बोलता मैं भी नहीं लेके जाऊँगा, सब बोलते कि हम लेके नहीं जाएंगे, बाद में क्या किया कि इस थाने में आए शाम को 7 बजे उस लड़की को गाड़ी में बैठा के ले गए उस घर में, तो आपको पता है कि शादी इसकी यहाँ पे हुई है, अगर ये रहना चाहती है अपनी माँ के घर में रह सकती है, मेरे घर में रह सकती है, बाकी ये सोच रही कि कालाकोट में रहूँगी वहाँ पे किस बेस पर। मुझे एक और एलिगेशन उन्होंने जो बात कही है जी कि आपके घर की तरफ से आप लोग उसको मारते पीटते थे, टॉर्चर करते थे बड़ी बेरहमी से, आप किसी तो वो तभी करके वो कह रही है कि मैं इनके साथ जो है वो नहीं रहना चाहती। आप किसी भी मोहल्ले में पूछोगे ना अगर ये बात समझ जाए कि इसको टॉर्चर करते किस चीज़ के लिए टॉर्चर करेंगे हम इसको, हमने जब इनके से कुछ ऐसी बात ही नहीं है कुछ, हमारे घर में हमारा मकान अलग गया, मेरे छोटे भाई का अलग गया, बड़े भाई का अलग गया, हम सब अलग अलग रहते हैं, तो मेरे भाई मेरे घर में जाते ही नहीं हैं बिल्कुल, कोई भी काम होता है जो अगर किसी को दुकान पे आते हैं मेरे पास अगर कोई भी काम होगा तो घर में वो जाते ही नहीं बिल्कुल, तो ऐसे ये मेरी छोटी लड़की को पता है जब किसी का फ़ोन आता था शाम को तो ये रोती थी कि ऐसे कि मम्मा को संजू मामू का फ़ोन आता था, आपको पता अगर मैं घर में नहीं हूँ तो पहली बात कि किसी के घर में फ़ोन करना ही नहीं चाहिए, ये लड़की मेरी सब पता है इसको छोटी बड़ी लड़की को, तो आप ही बताओ कि ऐसी बातें देख के आदमी कोई। चलो ठीक है, ये थे हमारे साथ उनके हस्बैंड सोनू जी जिन्होंने साफ तौर पर अपना पक्ष रखा, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि दोनों को सुना जाए, दोनों को जो भी इनका आपसी मामला है या जिस वजह से इनकी ये जो प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि एक तरफा क्योंकि हम कभी एक तरफी वन साइडेड जो है वो खबर नहीं चलाते, दोनों पक्षों को सुना, लड़की का क्या कहना है वो भी आपने सुना और उनके हस्बैंड का क्या कहना है वो भी आपने सुना। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आपको इन बच्चियों के जो है वो क्लोज़ अप करके दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि ये दोनों मासूम बच्चियाँ हैं,
अब इन दोनों की लड़ाई में ये बीच में आप सोचिए कि इन बच्चों का क्या कसूर है, ये क्या सोच रही होंगी। इनको तो अभी ये भी नहीं पता है कि पानी क्या होता है, कि उनको पता जी ये मतलब कि ये पढ़ना है, अभी छोटी सी उम्र है पढ़ाई का, अभी इन बच्चों को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब इन बच्चों का क्या कसूर है, अब ये हस्बैंड वाइफ की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं इन बच्चों के भविष्य पर जो है वो असर डाल रही है, और आने वाले समय में ये क्या सोचेंगे। और मैं बार बार यही एक ही चीज़ आपसे साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि यदि ये घरेलू मामले अगर छोटा मोटा कोई भी इशू होता है तो अपने घर पर उसको निपटाओ, अपने घर पर उसको सॉर्ट आउट करो, अपने यानी कि अपने परिवार को बैठाओ, अपने परिवार में सहमति से जिस किसी की गलती है उस गलती को सामने लाओ, अगर कोई माफ़ी मांगता है जैसे भी उसके इसको खुद ही करना चाहिए। कोर्ट तक पहुँचना, कानून तक पहुँचना या इस चीज़ को मीडिया में लाना वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अब ये स्टोरी सामने लाने का, क्योंकि मामला इतना बढ़ गया था, वुमेन सेल में केस चल रहा है, कोर्ट में है और यहाँ पुलिस स्टेशन में है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अप्रोच किया कि हम बहुत बेबस हैं दोनों ने, तो इस वजह से आपके सामने जो है ये सब लेके हम हाजिर हुए हैं। और आखिर में मैं यही अपील करूँगा फिर से, जो सोसाइटी के लोग हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं या इन लोगों से भी हो सके तो अपने घर में बैठ के इस पूरे मैटर को सॉर्ट आउट करें। और इस वीडियो से बाकी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर इस तरीके का कोई मामला होता है तो अपने घरों में बैठ के जो है इसका जो भी है अल्टरनेट निकालें। बाहर उछलना, अपनी इज्जत को सबके सामने लाना या इस तरीके के कमेंट्स या ये करना, ये कहाँ तक सही है ये आप लोग बखूबी जानते हो। अब दोनों पक्ष आप सुनकर उसके बाद कमेंट में जनता जो है वो ज़रूर राय दे कि कौन सही कौन गलत और क्या होना चाहिए। तो मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट ताहिर अली काज़मी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।